हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे पास एक बोर्ड है नोकिया 5.1 का। ये डेड कंडीशन पे आया हुआ है और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये कॉइल निकली हुई है और इसमें ये सारे ये जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें ये सब बीप कर रही हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से ये बीप कर रही हैं। मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट किया है। ये देखिए, ये बीप कर रही है, ये बीप कर रही है, ये भी बीप कर रही है और उसके बाद ये आर वैल्यू रजिस्टर ये भी बीप कर रहा है और ये भी बीप कर रहा है। ये पूरा सेक्शन बीप कर रहा है। बाकी ये देखिए, ये भी बीप कर रहा है। वैसे तो ये सारे कंपोनेंट्स बीप कर रहे हैं, तो ये तो पक्की बात है कि हमारी ये पावर आईसी की दिक्कत है। लेकिन हम आपको ये शॉर्ट किलर है, इससे हम इसको यूज करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी मेन एग्जैक्ट देखते हैं प्रॉब्लम कि हमारी इस आईसी से है या किसी कंपोनेंट से है। तो इसका कैसे यूज करना है वो आप देख लीजिए। देखिए, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों वायर हैं। हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारी कॉइल जो बीप कर रही थी, ये वाली ये देखिए, ये बीप कर रही है और ये बीप कर रही है। तो हम जिधर बीप कर रही है उधर वाले सिरे पर शॉर्ट किलर को यूज करके देखते हैं कि हमारी किस आईसी की दिक्कत है। तो सबसे पहले एक प्रॉप को हम ग्राउंड पर रख देंगे और दूसरी वाली से हम इस कॉइल के इस साइड पर रखते हैं और आप देखें जरा, ये देखिए इस आईसी से धुआं निकल रहा है। दिखा होगा आपको, इस आईसी से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब है हमारी ये आईसी पूरे तरीके से खराब है, पूरे तरीके से ये खराब है। अब हम जब इसको निकाल लेंगे तो ये हमारी शॉर्टिंग भी चली जाएगी और हम इसको चेंज करना रहेगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, एक बार दिखाते हैं हमारी शॉर्टिंग गई या नहीं गई। इस आईसी को निकाल लेते हैं, एक बार निकाल कर चेक करते हैं कि देखिए हमारी शॉर्टिंग इधर गई या नहीं गई। देखिए, आईसी हमने निकाल ली, थोड़ी देर इसको ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसकी प्राइस पर चेक करते हैं। होने देते हैं, जो हमारी शॉर्टिंग थी वो गई या नहीं गई। देखिए, हमारी शॉर्टिंग चली गई, इस पर हमारी वैल्यू आने लग गई। ये देखिए, अब इधर जरा चेक कर लेते हैं। देखिए, इधर हमारी शॉर्टिंग अभी नहीं गई है। इधर इसलिए नहीं गई है क्योंकि ये जो हमारी आईसी लगी हुई है ये भी खराब है। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका ये वाला सिरा हमारी आईसी से आ रहा है, ये सिरा इस कॉइल का ये वाला सिरा इस आईसी से आ रहा है और यही वाली साइड हमारी बीप भी कर रही है। ये देखिए, ये बीप कर रही है और ये नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है हमारी ये भी आईसी खराब है। और इधर वाली शॉर्टिंग हमने शॉर्ट कट से यूज करके आपको दिखाया कि कैसे आईसी के का फॉल्ट हमने पकड़ा। अब हम ये आईसी चेंज कर देंगे, हमारा मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट किलर का यूज करके। अब देखिए, सारी कॉइल जो बीप कर रही थी वो सारी की सारी। तो वैल्यू आ रही है और वैल्यू आ रही है, जो मेन हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। यानी अब हम इस आईसी को चेंज कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।